दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके और मेरे फेवरेट टॉपिक के बारे में, जो कि है टॉप 10 डियोस फॉर मेन अंडर 300 रुपीस इन 2021। हाय गाइस, वेलकम बैक, दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं मुझे ये वीडियो थोड़ा जल्दी लेकर आना चाहिए था, बिकॉज गर्मियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, द सीजन हैज ऑलरेडी चेंज्ड। बट मैंने जो ये लिस्ट बनाई है, इसमें मैंने बहुत सारे अलग अलग तरीके के डियोज को इंक्लूड करने की कोशिश करी है, जिसके अंदर कुछ नए डियोज हैं, कुछ पुराने डियोज हैं, कुछ हिडन जेम्स हैं। तो मुझे लगता है कि आप ये लिस्ट अभी भी कंसिडर कर सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं अपनी लिस्ट से। जो लिस्ट में 10th नंबर पर डियो है, उसका नाम है पार्क एवेन्यू वॉयज। फ्रेंड्स, जो ये डियो है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डियो है, बट स्टिल अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि जो ये फ्रेग्रेंस है, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश, एक्वाटिक, स्पाइसी और मस्की टाइप्स ऑफ फ्रेग्रेंस है। और जो ये फ्रेग्रेंस है या ये जो डियो है, ये बहुत ही बढ़िया एक ऑफिस वेयर डियो है। और जो इसका एज ग्रुप का दायरा है, द पीपल, द एडल्ट्स हु ऑल आर अबव द एज ऑफ 20 टिल द एज ऑफ 35, ये इनके लिए बहुत ही बढ़िया एक एप्रोप्रिएट चॉइस है। और अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस या लॉन्जिविटी की बात करूँ, तो ये लॉन्जिविटी में भी करीबन 4 से 5 घंटे तक लास्ट करता है। और अगर प्राइस की बात करूं, तो प्राइस इसकी 240 रुपीस है फॉर 150 ml। तो जो 9th नंबर पे डियो है, उसका नाम है डेनवर ऑटोग्राफ कलेक्शन का मेस्ट्रो फ्रेग्रेंस। जो ये फ्रेग्रेंस है, ये भी एक बहुत ही बढ़िया एरोमेटिक, स्पाइसी, ग्रीन और स्वीट टाइप्स ऑफ फ्रेग्रेंस है। ये ड्राई डाउन में आपको एनिमलिक नोट्स की भी बहुत बढ़िया तरीके से हिंट देता है। और जो ये फ्रेग्रेंस है, एक बहुत ही बढ़िया, आप ये कह सकते हैं, कैजुअल डेली वेयर फ्रेग्रेंस है। इट केटर्स मोर टू द यूथ, बहुत ही यंग क्राउड को बहुत अच्छे तरीके से ये पसंद आता है। और अगर मैं इसकी लॉन्जिविटी की बात करूं, लॉन्जिविटी भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। ये करीबन 5 से 6 घंटे के आसपास लास्ट करता है। और अगर प्राइसिंग की बात करूं, तो ये 249 रुपीस में आपको मिल जाता है फॉर 150 ml। तो 8th नंबर पे जो फ्रेग्रेंस है, वो एक बहुत ही पुराने ब्रांड की एक बिल्कुल नई वाली फ्रेग्रेंस है। जो पुराना ब्रांड है, उसका नाम है ओल्ड स्पाइस, और उन्होंने अभी एक रिसेंटली अपनी एक सीरीज लॉन्च करी है डियोज की। उसमें से मैंने एक फ्रेग्रेंस को पिक किया है, जिसका नाम है वुल्फ थॉर्न। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके ऊपर वुल्फ बना हुआ है, तो ये अपने नाम के साथ बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट तो नहीं करता है, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी इट स्मेल्स वेरी सिट्रसी एंड फ्रूटी। तो जब आप इसको स्प्रे करते हैं, तो जो सबसे पहला इंप्रेशन आता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से खट्टे और मीठे का कॉम्बिनेशन है। और ये कौन से ओकेजन पे लगाया जा सकता है, तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज वेरी मच सूटेबल फॉर डेली वेयर, फॉर कैजुअल वेयर, फॉर ऑफिस वेयर एंड फॉर फॉर्मल गेट टुगेदर्स आल्सो। और अगर मैं इसके एज ग्रुप की बात करूं, तो एज ग्रुप के अंदर आप ये लगा सकते हैं, जो भी एज ग्रुप की रेंज है 25 to 35, ये उनको बहुत बढ़िया तरीके से पसंद आएगा। और अगर लॉन्जिविटी की बात करूं, तो लॉन्जिविटी भी बहुत बढ़िया मिलती है इस डियो की, करीबन 5 से 6 घंटे के आसपास आपको लास्टिंग दे देता है। प्राइसिंग की बात करूं, तो आपको जो प्राइसिंग पे करनी पड़ती है, एमआरपी ऑफ 249 रुपीस फॉर 140 ml। तो 7th नंबर पे बात करते हैं वन ऑफ माय फेवरेट्स, फॉग मास्टर का ओक फ्रेग्रेंस। तो ये फ्रेग्रेंस जो है, जिन लोगों को भी वुडी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, ये उन सब के लिए बहुत ही बढ़िया एक ऑप्शन है। बिकॉज जो ये फ्रेग्रेंस है, ये एक एरोमेटिक, वुडी और स्वीट टाइप्स ऑफ फ्रेग्रेंस है। जब आप इसको स्प्रे करते हैं, तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से स्वीटनेस का एहसास मिलता है। और ये किन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो द पीपल हु आर स्कूल गोइंग, द पीपल हु आर कॉलेज गोइंग, या आप ये कह सकते हैं टीनेजर्स हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा बिकॉज ऑफ इट्स स्वीटनेस। और ये आप डेली कैजुअल इवनिंग वेयर के लिए बहुत बढ़िया तरीके से वेयर कर सकते हैं। जो इसकी लॉन्जिविटी आपको मिलती है, वो करीबन 4 से 5 घंटे के आसपास मिलती है। और जो इसकी प्राइस है, वो करीबन 275 रुपीस में आपको ये 150 ml मिलता है। सो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपको ये लिस्ट इंटरेस्टिंग लग रही है, और इसी वीडियो के थ्रू अगर आज आपने हमारे चैनल को चेक इन किया है, तो आप थोड़ा सा कंसिडर कीजिए इसको सब्सक्राइब करने के लिए, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर आर वीडियोस। तो 6th नंबर पर बात करते हैं अजमल के सिल्वर शेड डियो की। फ्रेंड्स, इस डियो के बारे में मैं क्या बात करूं, बिकॉज जो ये डियो है, ये बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल टाइप सा डियो है। ये एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, और जो इसकी वाइब्स है, वो बहुत ही ज़्यादा एरोमेटिक, फ्रूटी, वुडी और क्रीमी टाइप सी हैं। जब आप इसको स्प्रे करते हैं, तो जो इसका फर्स्ट इंप्रेशन आता है, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बहुत ही मिठास भरा एक इसका बिगनिंग है बिकॉज ऑफ फ्रूट्स। लेकिन जो इसका ड्राई डाउन है, इसके ड्राई डाउन में आपको थोड़ी सी थिकनेस मिलेगी, थोड़ी सी मेच्योरिटी मिलेगी और थोड़ी सी क्रीमीनेस मिलेगी। तो जो मौके मुझे समझ आते हैं इस डियो को लगाने के, वो है शादियाँ, लाइक
मैरिजेस, फेस्टिवल्स एंड इट इज अ गुड डेटिंग वेयर ऑल्सो. कौन से एज ग्रुप को ये बहुत बढ़िया तरीके से केटर करेगा? तो जो थोड़े से मेच्योर लोग हैं, या आप ये कह सकते हैं थोड़ा सा अपनी यूथ की जो दहलीज है थोड़ा सा आगे पार कर चुके हैं, लाइक 28 till 35, 36 ईयर्स की एज के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पसंद आएगा. जो इसकी लॉन्जिविटी है, लॉन्जिविटी बहुत बढ़िया है. जो मेरे ऊपर ये काम करता है, करीबन 6 घंटे के आसपास ये डीओ काम करता है. और जो इसकी प्राइसिंग है, प्राइसिंग आपको 299 रुपीज मिलती है फॉर द क्वांटिटी ऑफ 200 ml. तो जो फिफ्थ नंबर पे डीओ है, ये मेरा भी एक बहुत फेवरेट डीओ है, जिसका नाम है डेनवर ऑटोग्राफ कलेक्शन का एम्परर फ्रेग्रेंस. फ्रेंड्स, ये मेरा फेवरेट डीओ इसलिए है बिकॉज ये मुझे एक बहुत ही महंगे परफ्यूम की याद दिलाता है, जिसका नाम है क्रीड एवेंटस. और अगर मैं इसके जॉनर या वाइब्स की बात करूं, तो ये एक बहुत ही वर्सेटाइल टाइप्स ऑफ फ्रेग्रेंस है, बिकॉज आपको इसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट्स को इस एहसास करने का, उसका एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, जिसके अंदर सिट्रसीनेस है, जिसके अंदर फ्लोरल है और जिसके अंदर मस्कीनेस है. और अगर ओकेजन्स की बात करूं, तो कोई भी ऐसा मौका या ओकेजन मुझे नहीं दिखता है जहां पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये हर एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे तरीके से अडेप्ट हो जाता है. इसके एज ग्रुप की बात करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत हाई एक्सेप्टेबिलिटी और बहुत मास अपील वाला डीओ है, बिकॉज ये आप अगर आप किसी को पूछेंगे या किसी की चॉइस पूछेंगे, तो ये आपको हर एक इंसान इसके ऊपर हाँ करता हुआ मिलेगा, बिकॉज ये टीनेजर को भी बहुत अच्छे तरीके से पसंद आता है, ये एडल्ट्स को भी पसंद आता है, ये मेच्योर लोगों को भी अच्छा लगता है और यूथ को भी अच्छा लगता है. लॉन्जेविटी की अगर बात करूं, तो लॉन्जेविटी में भी ये बहुत अच्छे नंबर लेता है, बिकॉज 5 से 6 घंटे के आसपास ये इजीली लास्ट करता है. प्राइसिंग के अंदर आपको 249 रुपीज में आपको 150 ml की क्वांटिटी मिलती है. तो फोर्थ नंबर पे बात करते हैं ब्रूट इंस्टिंक्ट की. फ्रेंड्स, ब्रूट की जो ओरिजिनल फ्रेग्रेंस है, ग्रीन कलर की जो बॉटल है, उसके बारे में तो बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन उसकी जो बाकी सीरीज है उनके बारे में कोई बात नहीं करता है. इसलिए मैंने ब्रूट इंस्टिंक्ट को फोर्थ नंबर पे रखा है, बिकॉज ये भी एक बहुत बढ़िया और बहुत ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है, बिकॉज इसके अंदर जो वाइब्स आती हैं वो आती हैं स्मोकी और स्पाइसीनेस की. ये फॉर्मल ओकेजन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. फॉर्मल ओकेजन्स में आप ये लगा सकते हैं, जैसे ऑफिसेज हैं, गैदरिंग्स हैं, क्लबिंग है, डेटिंग है, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. ये ज़्यादातर यंगस्टर्स या यूथ को केटर करता है. अगर इसकी लास्टिंग की बात करूं, तो एक डिसेंट सी लास्टिंग है इस डीओ की, करीबन 3-4 से 5 घंटे के आसपास ये लास्ट करता है. प्राइसिंग में भी आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि ये 299 में आपको जो क्वांटिटी मिलती है वो 200 ml मिलती है. तो जो लिस्ट में थर्ड नंबर पे फ्रेग्रेंस है, ये भी एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा कॉमन फ्रेग्रेंस है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला फ्रेग्रेंस है, जिसका नाम है वाइल्ड स्टोन कोड का क्रोम फ्रेग्रेंस. ये फ्रेग्रेंस, जैसा कि हम सबको पता है कि जो वाइल्ड स्टोन कोड की सीरीज थी, वो सारी की सारी सीरीज कहीं ना कहीं डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस से इंस्पायर्ड एक सीरीज थी. तो जो ये फ्रेग्रेंस है, ये डेविड ऑफ कूल वाटर का स्मेल लाइक है. और अगर मैं इसकी वाइब्स को आपको एक्सप्लेन करके बताऊं, या वाइब्स में आपको थोड़ी सी समरी दूं, तो ये एक बहुत ही ज्यादा फ्रेश, फ्लोरल, वुडी और मस्की टाइप्स ऑफ फ्रेग्रेंस है. ओकेजन्स की अगर बात करूं, तो ये भी एक ऑलराउंडर टाइप्स ऑफ फ्रेग्रेंस है. आप ये कह सकते हैं कि आप डेली वे इसको लगा के जा सकते हैं, ऑफिस में लगा सकते हैं, कैजुअली लगा सकते हैं. इट्स अ वेरी गुड वर्स ऑलराउंडर काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस. एज ग्रुप में भी ये आप ये कह सकते हैं कि यंगस्टर से लेके मैच्योर लोगों को बहुत पसंद आता है, लाइक द पीपल हु ऑल आर बिलो द एज ऑफ 45, उनको ये बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्राई डाउन में आपको हल्की सी मैच्योरिटी वाली वाइब्स भी मिलती हैं. लॉन्जेविटी की अगर बात करूं, तो ये 5 से 6 घंटे के आसपास बहुत अच्छे तरीके से लास्ट करता है. प्राइसिंग में भी अच्छा है. प्राइसिंग में आपको 120 ml की क्वांटिटी जो है 250 रुपए के आसपास मिलती है. तो सेकंड नंबर पे जो डीओ है, उसका नाम है अजमल का विजल दहाब. फ्रेंड्स, जो ये डीओ है, ये रिसेंटली मेरा एक फेवरेट डीओ बना है, वन ऑफ माय फेवरेट्स, बिकॉज ऑफ इट्स प्लेजेंटनेस. जब आप इसको लगाते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्लेजेंटनेस मिलती है, और जो इसकी वाइब्स हैं बहुत ही ज़्यादा फ्रूटी, फ्लोरल और वुडी हैं. और अगर मैं इस फ्रेग्रेंस की पर्टिकुलरली अपने एक्सपीरियंस की बात करूं इस फ्रेग्रेंस के साथ, तो मैं इसको एज अ मूड बूस्टर यूज़ करता हूं. आप विश्वास कीजिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो प्लेजेंटनेस है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको मिलती है. तो जब भी मैं थोड़ा सा लो ऑन एनर्जी फील करता हूं, अपनी एनर्जी को बूस्ट और अपलिफ्ट करने के लिए मैं इसको यूज़ करता हूं. लेकिन उसके बावजूद जो ओकेजन्स मुझे समझ आते हैं कि आप कौन कौन से ओकेजन्स पे इसको लगा सकते हैं, तो वो हैं मैरिजेस, वेडिंग्स, एंगेजमेंट पार्टीज, इस तरीके के फॉर्मल ओकेजन्स पे ये बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई किया जा सकता है. और अगर एज ग्रुप की बात करूं, तो एज ग्रुप का दायरा भी बहुत ज्यादा बड़ा है इसका. इवन मैच्योर लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आता है, बिकॉज जो इसकी स्मेल है वो बहुत ज्यादा यूनिवर्सल और यूनिसेक्स है. इसकी लॉन्जेविटी की अगर बात करूं, तो करीबन 5 से 6 घंटे के आसपास बहुत बढ़िया तरीके से लास्ट करता है. और प्राइसिंग में 299 रुपीज में आपको 200 ml की क्वांटिटी मिलती है. तो लिस्ट में टॉप पे है ओल्ड स्पाइस का टिम्बर डीओ.
फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ओल्ड स्पाइस ने अभी एक रिसेंटली लॉन्च की है डियो की नई सीरीज, उसी सीरीज में से ये दूसरा फ्रेग्रेंस है जो मैंने लिस्ट में डाला है। इसका नाम है टिम्बर। तो जैसा कि आपको पता है कि जो नाम टिम्बर है तो वुडीनेस होना इसके अंदर लाजमी है, लेकिन वुडीनेस के साथ साथ जो आपको चीजें मिलती हैं वो है स्पाइसीनेस, स्वीटनेस और हल्का सा आपको ड्राई डाउन के अंदर आपको एम्बर का भी एहसास मिलता है। ये भी एक बहुत ज्यादा वर्सेटाइल टाइप सा डियो है, तो जो अगर आप ओकेजन की बात करें तो क्लबिंग, डेटिंग, ऑफिस, सब जगह पर बहुत अच्छे तरीके से ये अडेप्ट हो जाता है। इसकी लॉन्जिविटी की अगर बात करूं तो ये लॉन्जिविटी में भी बहुत इंप्रेसिवली काम करता है, करीबन 5-6 एंड इन सम केसेस इट कैन वर्क टिल 7 आवर्स आल्सो। एज ग्रुप की अगर बात करूं तो द यंगस्टर्स, आप ये कह सकते हैं जो अबव द 18 इयर्स है टिल यू कैन से 30-35 के आसपास से बहुत अच्छे तरीके से लोग इसको लगा सकते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया चॉइस है। प्राइसिंग की अगर बात करूं तो 249 रुपीज में आपको जो क्वांटिटी मिलती है वो 140 ml मिलती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो जो कि टॉप 10 डियोस फॉर मेन अंडर ₹300 इन 2021 के बारे में था, आपको पसंद आया होगा। सिंस ये एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरा उतरा होऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा डू लेट मी नो इन माई कमेंट बॉक्स। एंड बिफोर परफ्यूम बी साइनिंग ऑफ, आई जस्ट वॉन्ट टू से महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।